caught in the crossfire. Before watching this video, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to receive regular updates. Hi guys, welcome to my channel. So aaj ka topic bahut important hai kyunki lagbhag mostly log jo bhi dahi khate hain wo isme galat hi kar rahe hain. उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं कि दही कैसे खाना है और चांसेस हैं कि आप भी बिल्कुल गलत तरीके से दही खा रहे हो. सबसे पहले तो ये आता है कि आपको कब खाना है और कब नहीं खाना. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाला है वो डिस्कस करेंगे कि आपको खाना है तो कैसे खाना है. तो आपको एक तो रात में मना किया हुआ है आयुर्वेद में दही में, इसकी ये किताब है धन्वंतरी निघंटु, उसके मैं आपको लास्ट में प्रूफ भी दिखा दूंगा उसमें क्या लिखा हुआ है, बट थोड़ा डिटेल में आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं. तो एक तो रात को नहीं खाना, दूसरा तीन सीजन में मना करा हुआ है दही आयुर्वेद में खाने को. सबसे पहला है शरद, ग्रीष्म और तीसरा है वसंत. तो शरद होता है, शरद का टाइमिंग है लगभग मिड सितंबर से मिड नवंबर तक, और लगभग 15 सितंबर से 15 नवंबर तक नहीं खाना. उसके बाद ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो मतलब है उसका अप्रैल और मई का महीना, उसमें भी दही मना किया हुआ है नहीं खाने. तो ये हो जाते हैं मिड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी दो महीने. तो सितंबर से नवंबर तक दो महीने अप्रैल मई, एंड दो फिर मना किए हुए वसंत ऋतु यानी कि जनवरी और फरवरी, यानी कि 15 सितंबर से 15 नवंबर, अप्रैल मई और जनवरी फरवरी. इन महीनों में यदि आप दही खा रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली नुकसान ही करेगा. बहुत टाइम से खाते रहते हैं तो ये भी होता है कि शरीर को आदत पड़ जाती है. हमारा शरीर बहुत गजब की मशीनरी है तो आदत डाल लेता है ये, बट स्टिल अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो नहीं खाना चाहिए. ये बात तो हो गई कि रात को नहीं खाना और इन इन दिनों में नहीं खाना, बाकी टाइम आप खा सकते हैं दही. दूसरी बात आती है कि दही को डायरेक्टली कभी भी कंज्यूम नहीं किया जाता आयुर्वेद के हिसाब से. पाँच चीज़ें आयुर्वेद ने बता रखी हैं कि या तो इन्हें डाल के खाओ वरना मत खाओ. इन्हें डाले बिना मतलब आपने दही नहीं खाना. तो ये चीजें हैं, सबसे पहले तो मीठा यानी खांड पूरा कुछ भी आप मीठा डाल सकते हैं. दूसरा है शहद, तीसरा है घी, चौथा है आंवला. आंवला यानी कि आप आंवला पाउडर यूज कर सकते हैं पतंजलि एक्सेट्रा के स्टोर्स पे या और भी कोई भी इस टाइप का आयुर्वेदिक स्टोर है उस पे आंवला पाउडर आपको मिल जाएगा 30-40-50 रुपए का 100 ग्राम, और वो 100 ग्राम आपको शायद पूरे साल भर आप निकाल दो उसको यूज करने में, वरना 3 महीने तो आराम से चलेगा वो. और पांचवी चीज है मूंग का सूप. तो ये 5 चीजें हमने बताई, घी, शहद, मीठा, मूंग का सूप और आंवला. तो इसमें क्या है, आप मूंग का सूप तो क्या है उसकी अलग रेसिपी है वो कभी बताएंगे, तो आपके पास बेसिकली ये 4 ही ऑप्शन रह जाते हैं. मीठा आजकल लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वजह से चलो मीठा भी छोड़ दिया. उसके बाद बचा शहद. शहद का हमेशा डाउट रहता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि इतना शहद मार्केट में बिक रहा है और इतनी तो शहद मधुमक्खी भी नहीं होंगी जितना शहद आज के टाइम पे मार्केट में बिक रहा है. तो शहद आप लोग डाल सकते हैं अगर आपको कहीं से ओरिजिनल मिलता है, बट लास्ट में बचता है आपके पास आंवला पाउडर. आंवला पाउडर डाल के कोई दही का स्वाद खराब नहीं लगता, आप लोग ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे दही में. अब आंवला पाउडर डालने को कहा क्यों गया है, वो इसलिए कहा गया क्योंकि दही का जो तासीर जो हम कहते हैं भारतवर्ष में वो गर्म होती है, और गर्म तासीर होने की वजह से उसको अगर आप मतलब वो उन कंडीशंस में अगर आपको ठंड लगी हुई है तो आप दही एज इट इज खा सकते हैं, बट खुद मत जज करना. जैसे मान लो अगर आपको कोल्ड हुआ तो आपने दही खा लिया भर भर के, क्योंकि जो जुकाम होता है कोल्ड होता है वो कई बार गर्मी के कारण भी होता है. खुद मत वैद्यराज बनना, जब भी नॉर्मली दही को कंज्यूम करो आंवला का पाउडर डाल के ही कंज्यूम करना. मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं इसके. और लोगों की क्या आदत होती है कि वो लस्सी दही में नमक डालते हैं. नमक क्या है आयुर्वेद में, नमक अलग बताए गए हैं, 5 नमक हैं आयुर्वेद में जिनका जिक्र किया गया है. ये 5 ही तरह के नमक मौजूद होते हैं पूरे विश्व में, पर नमक बहुत ही गर्म चीज होती है और वो आप अगर दही लस्सी में डाल के खाते हैं तो वो आपको दुगना नुकसान करेगा. तो नमक डालना छोड़ दो, दही भी नुकसान करेगा बिना आंवला के या बिना किसी भी उन 5 चीजों के जो मैंने आपको बताई. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
कारण आप भी यही चाहेंगे कि आप भी यही चाहेंगे और मैं भी यही चाहूंगा कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे देश में सब हेल्दी रहे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो, एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना यार चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। Brother, it's caught in the crossfire.